जी दीपावली। जैसा कि सभी को विदित है, पावन सा दरबार महामाई का सजा है, सुंदर सी व्यवस्था है माता रानी कि भक्तों ने सुंदर सी व्यवस्था को बनाया है, सजोया है, समेटा है। बिल्कुल, जब सुंदर सी व्यवस्था है, सुंदर सा दरबार है, वो माता रानी के तमाम भक्त विराजमान है। जो भक्त विराजमान है तो माता रानी की दया से, दृष्टि से, कृपा से, सभी के स्नेह से इस मंच पर खड़ी हो गई तो कहना है, माता माता मैं अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकती। संसार का कोई भी कलाकार अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब संगीत का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले वो कलाकार अपनी अर्जी लेकर माता रानी के चरणों में चला जाता है। कहता है, माँ आज की रात्रि, बल्कि कलाकार की एक आदत बन चुकी है, बस आज की रात्रि। कौन सी? लेकिन माता रानी ये रात्रि, हर रात्रि कलाकार कहता है क्या, बस आज की रात्रि, कल फिर कार्यक्रम होना है, फिर कहना है कि बस आज की रात्रि। और ऐसा कहते कहते सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन माता रानी का सुंदर दरबार है, ये 9 दिन 9 रात चलेगा। बिल्कुल, तो कहना है, भैया आज इतने विद्वान श्रोताओं के सामने खड़ा कर दिया, तो निवेदन करने लगी माता से, क्योंकि कोई कलाकार कलाकार नहीं है, कलाकार की जननी आदि शक्ति माता सरस्वती है। तो हम बच्चे चल रहे हैं सामंगल माता रानी के चरणों में। क्या बात है? कि हे भैया, आज की रात्रि नीलम या हमारे भैया राजवीर भैया केवल देखने मात्र को खड़े हैं। बिल्कुल बेटा, देखने मात्र को खड़े हैं, माता रानी का सुंदर सा दरबार सजा है। हे माता रानी, आज केवल देखने मात्र को ये हम भाई बहन खड़े हैं, आज सारा कारोबार सारा कार्यक्रम आपके हवाले है, माँ आपको संभालना है। तो कहना है क्या, सबसे पहले माता रानी के चरणों में चलते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी के पुत्र गणेश जी को मनाना अनिवार्य है, क्योंकि जब सुंदर सी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान ना आए, क्या बात है, तो उससे पहले बाबा गणेश जी के चरणों में चलते हैं, कहना है क्या। लेकिन इससे पहले कहना है क्या, माता रानी के लाडले से जय हो, लेकिन पाता उतना ही है,
ये शिष्य या शिष्या जितनी उसकी क्षमता होती है, क्योंकि ज्ञान का अथाह सागर है लेकिन बुद्धि बड़ी छोटी है। तो कहना है क्या गुरुवर के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर उड़ा पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी खरेला उत्तर प्रदेश। तो कहना है गुरुवर से माता रानी के चरणों में कहा माँ माँ मेरे पास कुछ नहीं है ना? क्योंकि जो संसार में है माता रानी वो सब तेरा है और तेरा मुझको अर्पण फिर क्या लागे मेरा। तो कहना है माँ हालांकि वंदना में धुन बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ धुन ऐसी हैं जो किसी वंदना से कम नहीं है। बिल्कुल दुनिया वालों ने क्या कि कोई पुकारे किसी नाम से Come on, come on, come on, hey! Come on, come on, come on, hey!
है प्रिया जियो मेरे लिए। प्रेम सरस्वती मैया की।
और ये कुछ आशीर्वाद विशेष आशीर्वाद है मेरे जीवन का, क्योंकि सुंदर सा दरबार सजा है, माता रानी के वंदन गीत पर प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार, माता रानी के वंदना पर प्राप्त हुआ है। हमारे भैया भैया माननीय सम्मानीय भैया समाज सेवक उपेंद्र तिवारी पूर्व प्रत्याशी किदवई नगर विधानसभा कानपुर, आपके माध्यम से ये 100 पत्र मुद्राएं हैं, आजीवन भैया से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और इसी श्रृंखला में माननीय सम्मानीय हमारी माता जी के द्वारा 100 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, माता जी को नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और इसी श्रृंखला में और ये शमानी भैया टीपू टेंट हाउस रतवती शुक्लागंज, आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं हैं। और छोटा हमारे भैया छोटे से बालक 11 पत्र मुद्राएं हैं आपके द्वारा भी भेंट है, नाम नहीं बता गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, माता रानी सदैव आप पर वरहस्त बनाए रखें। और लीजिएगा सुंदर सा हमारे भैया की तरफ से सवाल, सुना है आप लोगों ने? सुना बेटा सुना, चल रहे हैं बच्चे अपनी ओर से यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं, सुंदर सा सवाल आया है, कुछ बन जाए भैया के सुंदर से गीत का। उससे पहले एक विशेष बात चलती है कीर्तन में कि जब भी कोई सवाल आता है तो उसमें पहले फिल्मी दुनिया वालों ने कुछ कहा है, बाद में कुछ और लिखते हैं गाते हैं, लेकिन पहले फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है। क्या? जब फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है हमारे भैया ने गाया है तो प्रयास कर रही हूँ। कुछ
पहले सुनेगा। आपने गाया भवानी युग युग से उपकार करती आई है और चंद्र चंद्रों से जय जयकार करती आई है। पर भैया बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये जनता जय जयकार क्यों करती आई है? ये जनता ऐसे नहीं है, ये माता रानी जगत जननी है। जब जगत जननी है तो माता का कर्तव्य है कि माता अपने बच्चों की रक्षा करेगी। जब रक्षा करेगी तो ये हमारा कर्तव्य कि हम अपनी माता का सम्मान भी करेंगे। तो कहना है माता हर युग में ममता लुटाती आई है। युग में ममता लुटाती आई है, हर युग में शक्ति सदा से दिखाती आई है। धर्म की रक्षा माँ पत्थर मिटाती आई है।
भाई। क्या बात है? ना नहीं बूंद पानी की, हजारों में नए नए पीर बरसाया।